नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, मगर शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस के साथ। 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने घटाया पीएम किसान योजना का बजट, खेती के लिए पोषण आधारित तत्वों पर घटी सब्सिडी। अब खुद मिट्टी की जांच कर पाएंगे किसान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने चलाया परीक्षण पाठ्यक्रम। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन हर दिन जोर पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा हर दिन बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि संसद सत्र में बजट सत्र के दौरान जहां पहले किसानों ने संसद कूच करने की बात कही थी, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था और संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इसलिए इस कूच को रोक दिया गया था। हालांकि एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की माने तो आने वाली 6 तारीख को किसान 12 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान चक्का जाम करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सभी बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है, सरकार को उनसे बात करनी होगी। बीते दिन जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद सत्र के दौरान बजट पेश किया, तो वहीं उन्होंने बताया कि इस बार देश का आर्थिक राजकोषीय घाटा 6.8% रहने वाला है। साथ ही इस बजट से उन किसानों को धक्का लगा है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उम्मीद लगाए बैठे थे। आपको बता दें कि जहां पिछले साल इस योजना के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की मंजूरी बजट में दी थी। वहीं इस बार इसे घटाकर 65 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। जबकि इसी तरह यूरिया से लेकर खेती के लिए पोषण आधारित तत्वों जैसे कि जिंक सल्फर पर भी सब्सिडी घटाई गई है। आपको बता दें कि जहां यूरिया सब्सिडी में ये मंजूरी 58,768 करोड़ की गई है, तो वहीं पोषण आधारित तत्वों पर 20,762 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जो कि पिछले साल 38,990 करोड़ थी। भले ही किसान अपने खेतों में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, हालांकि उसकी उपज खेती में मौजूद मिट्टी पर ही निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि सफल खेती के लिए मिट्टी की विविधता, गुणवत्ता की जांच नियमित समय पर जरूरी है, ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता के अनुसार उसे खाद पानी के साथ तत्वों को दिया जा सके। हालांकि किसानों के सामने हमेशा से मिट्टी की जांच को लेकर सक्रियता कम ही देखी गई है। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से 7 फरवरी तक कृषि उत्पादन विक्रेताओं के लिए प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां से किसान आसानी से मिट्टी की जांच करना, साथ ही मिट्टी को जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का सही उपयोग व गलत उर्वरकों से होने वाले नुकसान को समझ सकता है। जबकि ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर 0641245206 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा आती हूं, जबकि ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर 0641245206 पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि अनेकों किसान हर साल गलत उर्वरक इस्तेमाल और खराब मिट्टी के चलते अपनी उपज बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।